हे फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? तो शाम के बज रहे फ्रेंड 5:40 हो रहा है और संध्या का टाइम हो रहा है। अभी मैं जा रही हूँ संध्या पूजा करने और आज है तुलसी विवाह भी है आज, और कुछ लोग देवस्थान भी बोलते हैं, कोई जेठान बोलते हैं। हम लोग के गांव में ना जेठान जेठान बोलते हैं हमेशा। और एकादशी का व्रत है, होता है ये व्रत का, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा महत्व होती है तो करना चाहिए। मैं तो हमेशा से करते ही आई हूँ, बचपन से लेके अब तक मैंने ये फास्ट किया है। और देखिए संजो क्या हो रहा है, 2 दिन से मैं इसी टाइम में से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। पता है इसमें देवस्थान में क्या होता है ना, क्या चौक लिखा जाता है। हम लोग के गांव में, मायके में मैंने देखा है, बुआ के घर में मैंने देखा है, चौक लिखा जाता है। चावल भिंगोया है बनाने के लिए। मैं देखती हूँ 10-12 साल होगी फ्रेंड, काफ़ी उस टाइम की बात है जो मैं फुआ के दीदी लोग के साथ में बैठ के बनाती थी, लेकिन मैंने आज तक अभी बनाया नहीं है। मेरा लग रहा है क्या इतना दिन हो गया है छूटा हुआ अभी तक। मैं तो यदि मैं बनाते रहती तो काफ़ी एक्सपीरियंस रहता मुझे बनाने का। चौक लिखा जाता है, जैसे ड्राइंग करते हैं ना वैसे। तो देखती हूँ इस बार मेरा प्लान है कि मैं बनाऊँ, और देखते हैं क्या मैं बना पाती हूँ क्या नहीं बना पाती हूँ, या कैसे बनाती हूँ ये भी मुझे नहीं पता। क्योंकि मेरा मन है कि मैं बनाऊँ, थोड़ा सा चौक लिखूँ। लिखूँगी तो धीरे धीरे सीखूँगी ना, करना चाहिए, किसी चीज़ को करना चाहिए तो करते करते लोग सीखते हैं। तो मैंने कल गन्ना मंगवाया था, आप लोगों ने कल देखा होगा कल के वीडियो में कि मैंने गन्ना मंगवाया है। तो आज मेरा, मैंने चावल भिगो के दे दिया था, भिगो दिया था, और मेरा प्लान था कि मैं आज बनाऊँ चौक लिखूँ। तो मैंने पांडे जी से, पांडे जी ने मुझे कॉल किया था, पांडे जी वीडियो शूट करने के लिए गए, तो उन्होंने फ़ोन किया था, क्या बना रही हो क्या मुझे मैं बोली पता नहीं मैं कैसे बनाऊँ, मुझे तो आता ही नहीं है बनाना। मैंने तो पांडे जी बहुत टाइम पहले ही बनाया था, बस छोटी थी उस टाइम बनाती रहती थी दीदी लोगों के साथ। अभी तो मुझे पता नहीं है, कभी मैंने बनाया नहीं है तो याद भी नहीं है या कैसे बनाते, थोड़ा सा भी कुछ भी ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। और पांडे जी बोलते हैं अरे आजकल तो यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे देख के देख लो, कुछ सीख लो, और क्या बना लो, क्या दिक्कत है, बना लो, टेढ़ा मेढ़ा जो होगा बना लो, क्या होगा, ऐसे बनाओगी तो सीखोगी। और मुझे भी लगा कि नहीं बनाऊंगी, और देखती हूँ फ्रेंड क्या क्या बनता है, कैसे कैसे बनता है। बड़ा अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, आज मैंने फास्ट किया है। तो इसमें ना फ्रेंड मैंने ना शकरकंदी दे रखा है, पर्दा फैलाई रहूँगा। और ये देखिए मैंने इसमें बनाई थी चाय, मेरी चाय हो गई है फिनिश, मैंने चाय पी ली है। और 2 दिन से जो टाइमिंग हो रहा है मेरा ब्लॉगिंग का, शाम का टाइम पे ही हो रहा है, और इसको मैं ऑफ कर दी ना। और ये देखिए चावल, तो ये है चावल, और इस चावल को मैंने काफ़ी टाइम पहले ही तो भिगो दिया था, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा इतना तो। अब मैं इसको पीस लेती हूँ, और एक कॉटन के हेल्प से मैं उसको बनाऊंगी। वहाँ पे ऐसे मैंने बाहर में ना पोछ लिया है अच्छे से, और अब मैं बनाती हूँ, देखती हूँ। कोशिश करना चाहिए फ्रेंड, जो चीज़ नहीं आती है ना उसके लिए कोशिश करना चाहिए क्या आए। और खास करके आज के टाइम में यूट्यूब पे सब कुछ दिया रहता है, यूट्यूब से मैं निकालूंगी कि कैसे बनाते हैं चौक, उसके बाद फिर मैं देख के बनाऊंगी, ठीक है। और यदि अच्छा बनेगा तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, यदि खराब बनेगा तो मैं नहीं शेयर करूँगी। खराब बनेगा तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, अच्छा बनता है तो अच्छा लगता है। मैं ये जो होता है ना, आरो पापा से बोलिएगा, पापा ना गोभी ले आएंगे, गोभी ले आएंगे, गोभी। हाँ जी बेटा, एक उल्टा मार रहा है, और जब मैं इसे मारने के लिए आती हूँ तो फिर पंखा चला देते हैं तेज से। हाँ हाँ, और जब आप वीडियो शूट कर रहे थे ना, गेम खेल रहा था ये। अच्छा कोई बात नहीं, तो पंखा नहीं चलाओगे? आरू उसकी उसकी पता है ना, नाक बह रहे हैं बेटा, तुम उसको ऐसे क्यों करते हो? तो फ्रेंड तो मैंने ले लिया है, मैं यहाँ पे किचन में हूँ ना,
तो फ्रेंड मैंने ये मिक्सी में ले ली, इसमें जार में ले लिया है मैंने चावल, और मैं इसको पीस के तैयार कर लेती हूँ और मैं शाम का संध्या पूजा भी कर लेती हूँ, ठीक है। और आज तुलसी विवाह भी है, लेकिन तुलसी विवाह में ज़्यादातर मैं कुछ करती नहीं हूँ फ्रेंड। ऐसे तो कहते हैं शालिग्राम भगवान के साथ उनकी शादी होती है, चूड़ी चढ़ाया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है, बिंदी चढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, पर वो सब मैं उतनी करती नहीं हूँ। बट भगवान का जो है छोटे मोटे चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ। तो जैसे करती हूँ, जो जो करती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। फाइनली ये देखिए बना लिया है, और इसको खड़ाम बोलते हैं। ये जो हमने बनाया है, पता नहीं ये दिख रहा है या अभी नहीं, पता नहीं, क्योंकि ना मिट्टी में अच्छे से दिखता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो ये हमने इस तरह से बनाया है, और उसके बाद वो जो है ना अनाज, वहाँ पे अनाज भरा है हमने ना वो बना लिया है फ्रेंड, किसी तरह से थोड़े से टेढ़े मेढ़े से जैसे भी आया मैंने बना दिया, और उसमें अनाज भरा जाता है। बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है बट उतनी स्पेस नहीं है जो मैं बना पाऊँ। मुझे जो भी समझ में आया टेढ़ा मेढ़ा आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कैसा बना है। अब पांडे जी आएंगे ना, तो उसके बाद वहाँ पे एक दिया जला दूँगी, और दिया जला के गन्ना खड़ा कर दूँगी, गन्ना खड़ा करके और प्रसाद लगा दूँगी। तो प्रसाद के लिए वहाँ पे कहते हैं भगवान जी को भी बिठाया जाता है, घुमाया जाता है, बहुत सारे होते हैं नियम, तो वो सब तो माँ गाँव में करती ही हैं, तो वो सारा चीज़ तो गाँव में होता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं थोड़ा सा हम कर लेते हैं, बाहर में रहते हैं तो घर को मिस करते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कर लिया अपनी तरह से, और एक सीखने के पर्पज़ से मैंने किया। और चलिए अब पांडे जी आते हैं ना, तो फिर बात करेंगे, ठीक है, बाय। तो आज है देवस्थान, और आप देख सकते हैं यहाँ पे तो उस तरह से नहीं हो पाता है जैसे घर में बनाते हैं, बट मैडम ने देख रहे हैं बहुत मेहनत की है अपने हिसाब से। और इस तरह से शकरकंदी है, इसके अलावा गन्ना है, इसका प्रसाद हमने भगवान को लगाया है, और भी बहुत सारी चीज़ें चढ़ता है बट पास लेवल, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और इधर देखिए कुछ इस तरह से अलग अलग वैरायटी भगवान को चढ़ाते हैं, ये अनाज है, अनाज तो ये अन्न है अलग अलग तरह के, और ये सारे दिए हैं। तो थोड़ी सी इस बार नींव जो है हमने किया है, और ये जो देख रहे हैं ये पूरा गन्ना को हमने खड़ा किया है, बहुत बड़ा गन्ना मिला है इस बार हमें यहाँ पे, ये देखिए कितनी दूर तक है, दिखाई नहीं दे रहा ना, ये देख रहे हैं। तो गन्ना हमने लाया था यहाँ पे, और ये 5 गन्ना है बड़े बड़े, तो आसानी से मिल गए थे इस बार। हाँ। तो अब ये क्या है ना मैडम, तो फास्ट पे हैं आज। हाँ जी मैडम, जब हम लोग सो जाएंगे ना तो भगवान जी आएंगे यहाँ पे बैठ के चले जाएंगे। इतना जब मेहनत किया मैंने, कुछ तो करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। वो कहते हैं ना ठाकुर जी को बिठाया जाता है और घूमते हैं, कम से कम 5 लोग हम लोग जैसे घर में रहते हैं ना गांव में, तो वहां पे तो ऐसे होता है। बट हमने थोड़ी सी जो भी उपलब्ध था, जो चीजें हमने यहां पे किया है इस तरह से, अच्छा लग रहा है ना पंडित जी। मैंने अपने लाइफ में सोची तो फर्स्ट टाइम है मेरे लिए, काफी सालों बाद मैंने अपने फ्रेंड से बात की, मैंने बताया कि काफी सालों बाद मैंने बनाया, मतलब जब छोटी थी तो दीदी के साथ बनाती थी। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।